दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफ़ी कम समय बचा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीजन के अंदर कुछ नए रूल्स और नई टीमें भी आने वाली है, क्योंकि आईपीएल साल 2020 का सीजन बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा और उसी के सक्सेसर के तौर पर आईपीएल 2021 का सीज़न होने वाला है। बता दें आपको, यहाँ दोस्तों बहुत ही जल्द मेगा ऑक्शन की डेट भी अनाउंस की जाने वाली है बीसीसीआई की तरफ से, और आईपीएल 2021 को लेकर सभी टीमों की तरफ से काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल के आ रही है। बट आज हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। दोस्तों क्या लेटेस्ट न्यूज़, क्या लेटेस्ट खबर केकेआर की मैनेजमेंट और केकेआर के खेमे की तरफ से बाहर निकल के आती है, क्या है उनका मेगा ऑक्शन को लेकर 2021 के लिए प्लान, साथ ही साथ क्या लेटेस्ट तैयारी केकेआर के खेमे में चल रही है, आज की वीडियो में मैं आपको कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फ़ैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा मजबूत टीम नज़र आ रही है, जहाँ पर आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए वो कुछ मेन प्लेयर्स को भी टारगेट करने वाली है, जिसके बाद केकेआर की टीम अपना आईपीएल का तीसरा खिताब जीतने के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगी। आप नीचे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या केकेआर आईपीएल 2021 का चैंपियन बनने वाला है। इसके अलावा तीन बहुत बड़ी अपडेट्स केकेआर की टीम की तरफ से बाहर निकल के आती है। पहली अपडेट बाहर निकल के आती है ऑक्शन 2021 को लेकर। दोस्तों अब फाइनल हो चुका है कि मेगा ऑक्शन ही होने वाले हैं, बट अब मेगा ऑक्शन के अंदर काफ़ी सारे रूल्स बीसीसीआई की तरफ से चेंज हो चुके हैं और इन्हीं रूल्स के चलते केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को होने वाला है बहुत ही बड़ा नुकसान। दोस्तों पहला रूल तो ये चेंज हुआ है कि आप अपने स्टाफ मेंबर के अंदर 3 या 4 से ज़्यादा जने नहीं ले जा सकते हैं। आपने पूर्व ऑक्शन में देखा होगा कि एक टीम कम से कम 6 या 7 अपने स्टाफ में ले जाती है प्लेयर्स और वहाँ पर दोस्तों वो ऑक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, बट इस साल कोविड के चलते 3 या 4 मैक्सिमम यही जाने वाले हैं जने, इसके अलावा कोई भी नहीं जा पाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी प्रॉब्लम इनके सामने आएगी ऑक्शन के अंदर वो ये है कि इनका जो कैप्टन है, दोस्तों कैप्टन है इनके फॉरेनर्स और फॉरेनर कप्तान यहाँ मौजूद नहीं हो पाएंगे आईपीएल के ऑक्शन के अंदर। जहाँ पूर्व के अंदर कप्तान दिनेश कार्तिक और गौतम गंभीर जब कप्तान थे तो वो ऑक्शन का पार्ट बनते थे, बट इस साल कप्तान है इयान मॉर्गन, तो यहाँ वो मौजूद नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस साल बीसीसीआई ने स्ट्रांगली मना कर दिया है किसी भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए, यानी दोस्तों आप फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते हैं कोविड के चलते, या दोस्तों किसी के भी चलते उन्होंने ये रूल्स तो ला ही दिया है कि आप टेलीफोन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों देखा गया है कि सभी टीमें यहाँ पर अगर फंस जाती है तो वो किसी ना किसी को फ़ोन करके बातचीत करती है और किस प्लेयर पे कितना दाम लग चुका है, क्या लेना चाहिए या नहीं, बट इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगा और इन तीन रूल्स के चलते केकेआर को यहाँ बड़ा नुकसान होने देखने को मिल जाएगा। जहाँ आपको हर टीम के अंदर यहाँ पर कोच और ओनर्स ही देखने को मिल जाएंगे, तो सभी टीमों को यहाँ बहुत पहले से ही तैयारियाँ करनी होगी। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं आईपीएल 2021 के अंदर क्या बड़ा नुकसान, क्या बड़ा फ़ायदा केकेआर को होने वाला है। दूसरी न्यूज़ निकल के आती है केकेआर की टीम की तरफ से। दोस्तों आकाश चोपड़ा कमेंटेटर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है केकेआर के ऊपर। उन्होंने बताया है कि केकेआर के पास सबसे ज्यादा इमर्जिंग और प्रॉमिसिंग इंडियन प्लेयर्स हैं। उन्होंने एमआई की टीम से कंपेयर किया, उन्होंने कहा कि एक टाइम मुंबई इंडियंस की टीम के पास भी ऐसे ही भारतीय खिलाड़ी थे, काफी युवा थे, ईशन किशन, सूर्य कुमार यादव, आदित्य तारा और ऐसे काफी सारे, और दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने उन पर भरोसा नहीं खोया, उनको अपनी टीम में रिटेन करते रहे, जिसके बाद वो शुरू के कुछ साल तो फ्लॉप रहे बट उसके बाद अब वो रिजल्ट देते हैं, तो यही केकेआर की टीम भी करे। जैसे उनकी टीम में कमलेश नागरकोटी है, शुभमन गिल है, रिंकू सिंह है, शिवम मावी है, प्रसिद्ध कृष्ण, ऐसे कई सारे भारतीय खिलाड़ी हैं, ये उनको मेगा ऑक्शन के अंदर एक बार फिर से टीम में शामिल कर ले और इनके ऊपर लगातार भरोसा जताए। हालांकि शुरू के कुछ सीजन हो सकते हैं ये फ्लॉप रहे, बट आने वाले सीजन के अंदर ये काफी अच्छे प्लेयर्स बनके निकल जाएंगे। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या आप आकाश चोपड़ा की इस बात से सहमत हैं। तीसरी न्यूज निकल के आती है गौतम गंभीर को लेकर। दोस्तों दो टाइम केकेआर को चैंपियन बना चुके गौतम गंभीर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल 2020 के अंदर केकेआर की मैनेजमेंट से वो काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक यहां 7 में से 4 में जिता चुके थे और एक स्टेज था जब वो मुंबई इंडियंस की टीम से भी आगे थी पॉइंट्स टेबल पर, बट यहां केकेआर की मैनेजमेंट और दिनेश कार्तिक के बीच कुछ गड़बड़ हुई होगी। बाद में दिनेश कार्तिक ने रीजन कुछ और दिया और कप्तानी छोड़ दी और यहां पर इयान मॉर्गन कप्तान बने। दिनेश कार्तिक के कप्तानी से हटने पर यहां पर काफी नाराजगी जताई है गौतम गंभीर ने। उन्होंने कहा है कि दिनेश कार्तिक को आईपीएल 2021 में फिर से मौका देना चाहिए और अगर वो कप्तान नहीं होते तो किसी भारतीय कप्तान को ही यहां पर मौका देना चाहिए, भारतीय खिलाड़ी को। उन्होंने बीसीसीआई से खास मांग भी यही की है कि यह है इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल के अंदर आपको सभी खिलाड़ियों के अंदर यहां कंपलसरी कर देना चाहिए सभी 8 टीमों के अंदर कि आप 8 के 8 जो अपने प्लेयर्स हैं वो कैप्टेंसी करने वाले हैं, जो भारतीय ही होने चाहिए सभी 8 टीमों के अंदर से। तो फ्रेंड्स आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या आप गौतम गंभीर की इस बात से सहमत हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।